हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिकेट वाला। क्रिकेट से रिलेटेड मैच प्रीव्यूज, अपडेट्स और प्रेडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें सजेशन दिया करें कि हम इस वीडियो को, इस चैनल को किस तरीके से मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और प्लीज़ सिर्फ मैच प्रेडिक्शन से ही आगाह कीजिए और सजेशन दीजिए। बाद लोग कमेंट बॉक्स में फ़ोन नंबर लिख देते हैं और उनकी सीधी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो प्लीज़ इस किस्म के कमेंट ना कीजिए और सिर्फ अपनी सजेशन हमें दिया करें। और अगर कोई बात किसी को बुरी लगती है या कोई गलत बोला जाता है तो उसके मुताबिक ज़रूर बताया करें, लेकिन इस किस्म की कोई वल्गर किस्म की बातें लिखना और वो कमेंट में प्लीज़ ना लिखा कीजिए। तो आज हम मैच के बारे में डिस्कस करेंगे, वो खेला जाएगा KKR कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात लाइंस के दरमियान। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, ज़्यादातर मैच जीती है, कम मैच का ध्यान रखना पड़ा, अभी तक टॉप फोर में है और यकीनन प्ले ऑफ में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। KKR की जहाँ तक ओवरसीज प्ले का ताल्लुक है, थोड़े से अनलकी रहे। क्रिस लेन एक मैच में अच्छा परफॉर्म करने के बाद अनफिट हो गए और अभी तक डॉक्टर ने उनको खेलने की इजाज़त नहीं दी और टीम से बाहर ही हैं। और इसके अलावा सुनील नारायण को ऊपर खिलाया गया, अच्छा परफॉर्म किया एक मैच में, उसके बाद दोबारा ओपन कराया गया लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे। लेकिन एज ए होल उनकी जो बॉलिंग है वो बेहतर है और बैटिंग भी काफ़ी बेहतर जा रही है। बैटिंग में रॉबिन उथप्पा हमने देखा था बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की और अपनी फॉर्म को दोबारा साबित करने में कामयाब हो गए। तो KKR की जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है तो काफ़ी डेप्थ है बैटिंग में और एंड तक बैटिंग है उनकी। बैटिंग में जो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं वो अपने कप्तान गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, यूसुफ पठान, अच्छे बैट्समैन हैं तमाम के तमाम और IPL में मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही तरफ से एक ही टीम में खेल रहे हैं, इस वजह से आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है तो बॉलिंग भी इनकी काफ़ी बेहतर है, ये बहुत ज़्यादा वीक नहीं है लेकिन स्पिनर पर डिपेंड करते हैं। कुलदीप यादव हो गए, सुनील नारायण हो गए, ये दोनों बड़े अच्छा कम्बिनेशन है, दोनों पर बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, एक लेग ब्रेक और एक ऑफ ब्रेक है। इसके अलावा क्रिस वोक्स भी नए बॉल से अच्छा बॉल करते हैं, एंड में थोड़ी मार खाते हैं लेकिन एक अच्छे रीजनेबल बॉलिंग कर रहे हैं, ना ज़्यादा मार खाते हैं बल्कि बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। क्रिस वोक्स एक अच्छा इजाफा है इनकी टीम में, लेकिन जब वो टीम को छोड़कर जाएंगे फिर देखने का किसको चांस मिलता है। पिछले मैच में हमने देखा कि नितिन कोल्टर नायर को चांस दिया गया, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो KKR का मैच करेगा गुजरात लाइन्स के दरमियान। तो गुजरात लाइन्स की जो टीम है वो इस टूर्नामेंट में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है उनकी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, लेकिन फिलहाल गुजरात लाइन्स की बात हो रही है तो मेरे ख्याल है कि पॉइंट्स टेबल पर RCB नीचे चली गई है, गुजरात लाइन्स ऊपर आ गई है। लेकिन हमने देखा था कि इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही थी, लेकिन जब से रविंद्र जडेजा ने टीम को ज्वाइन किया तो इनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर हुई है, क्योंकि चार ओवर वो करते हैं और इसके अलावा सपोर्ट बैटिंग में भी कर जाते हैं और फील्डिंग में भी कर जाते हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, यूजफुल क्रिकेटर हैं T20 के। तो उनके आने से टीम ने एक मैच में कामयाबी भी हासिल की, लेकिन उस कामयाबी को फिर मेंटेन ना रख सके और अगले मैच में दोबारा शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़बरदस्त है। ब्रेंडन मैकुलम जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी पिछले मैच में हाफ सेंचुरी स्कोर की, इतनी क्विक नहीं की जितनी क्विक वो करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी फॉर्म उनकी ताबी थी। पिछले मैच में ड्वेन स्मिथ को ऊपर खिलाया गया जबकि जेसन रॉय को पीछे से खिलाया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इनको चाहिए कि ड्वेन स्मिथ को पीछे खिलाएं और जेसन रॉय को ऊपर खिलाएं, क्योंकि जेसन रॉय जो है वो ईजीली इतने छक्के मारने में कामयाब नहीं होते, ऊपर से खेलने में कामयाब नहीं होते, जबकि ड्वेन स्मिथ तो पावर की बेस पे खेलते हैं, पावर उनमें बेशुमार है और किसी भी वक्त किसी भी बॉलर को अपनी पावर की बेस पे छक्का मार सकते हैं और वो टाइमिंग से प्लेसमेंट से खेलते हैं और 6 ओवर जेसन रॉय के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जेसन रॉय को अगर खिलाना है तो ओपन खिलाएं, अदरवाइज जेसन रॉय को ड्रॉप कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ड्रॉप उनको ना करें क्योंकि अच्छे क्रिकेटर हैं और शुरू में अच्छे 30 रन बना लेते हैं और बाद में जब सेट हो जाते हैं तो फिर और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर जाते हैं। जहाँ तक अभी इनकी बैटिंग है, सुरेश रायना बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म अभी नज़र आ रहे हैं, एक मैच में अच्छी हाफ सेंचुरी स्कोर की लेकिन उसके बाद थोड़े से ऑफ हैं, और दिनेश कार्तिक बड़ी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, एक तमाम मैचेज में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाकी रविंद्र जडेजा बैटिंग में भी अच्छे सपोर्ट कर जाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। बॉलिंग का जहाँ तक तालिक है तो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा हैं, धवल कुलकर्णी अच्छे बॉलर हैं, बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं, अच्छी टीम को सपोर्ट कर जाते हैं, स्पेशली नए बॉलर से तो नई बॉल से तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो देखा जाए तो बॉलिंग भी इतनी वीक नहीं है जितनी कि वो बैट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुनाफ पटेल को भी पिछले मैच में चांस दिया गया तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, तो उसकी एज फैक्टर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, स्लो और फास्ट अच्छा मिक्सअप है, मीडियम पेसर बॉलर हैं लेकिन बेहतर बॉलर हैं और कद भी उनका काफ़ी ऊंचा है। तो देखा जाए तो मुनाफ पटेल और रविंद्र जडेजा के आने से थोड़ी सी बॉलिंग में स्ट्रेंथ तो आई है, लेकिन अब इसको मेंटेन रख सकते हैं कि नहीं। और थोड़ी टॉस के मुतालिक बात करते हैं तो डेफिनेटली गुजरात लाइन्स के कप्तान सुरेश रायना अगर टॉस जीतते हैं तो वो यकीनन पहले
बैटिंग बॉलिंग का फैसला करेंगे और बाद में बैटिंग करेंगे, क्योंकि बैटिंग में उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और बैटिंग रन चेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो सुरेश रैना अगर टॉस जीतते हैं तो वो पहले बॉलिंग का फैसला करेंगे। और विद रिस्पेक्ट टू JGL, अगर हम KKR की बात करें तो KKR भी ऐसे ही करेगी, अगर वो टॉस जीतते हैं तो यकीनन वो पहले गुजरात लाइन्स को खिलाएंगे और बाद में खुद बैटिंग करेंगे। बैटिंग में उनके पास है बहुत लंबी टेल है, सुनील नारायण तक जो कि नंबर 8 पे खेलने के जाते हैं वहाँ तक उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ है। तो जहाँ तक मैच प्रिडिक्शन का ताल्लुक है, तो मैच प्रिडिक्शन जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शन का ताल्लुक है, तो KKR की टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हासिल करने में भी कामयाब हो जाएगी। क्रिकेट से रिलेटेड मैच रिव्यूज़, अपडेट्स और प्रिडिक्शन के लिए हमारे यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।